हेलो एवरीवन, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। आज लॉजिकल रीजनिंग में हम लैंग्वेज एंड यूजेस ऑफ लैंग्वेज देखेंगे कि भाषा और भाषा के क्या कार्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं कि भाषा या लैंग्वेज क्या होता है। सो लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कन्वेंशनल स्पोकन, जो हम बोलचाल की भाषा में जो हम लैंग्वेज का यूज करते हैं, अपने थॉट्स को शेयर करते हैं, मैनुअल या रिटन सिंबल का यूज करते हैं, जिससे हम अपने जो विचारों को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकें, यही लैंग्वेज होता है। ठीक है, तो लैंग्वेज का यूज हम जनरली सोशल ग्रुप्स में करते हैं, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहाँ तक हमारे जो कल्चर का नॉलेज हो गया, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम अपने लैंग्वेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो लैंग्वेज के बहुत सारे अलग अलग कार्य होंगे, तो एक एक करके हम देखते हैं कि लैंग्वेज के क्या क्या कार्य होंगे। ठीक है, तो देखिए भाषा का जो क्या क्या कार्य होता है, तो भाषा का अनेक कार्य होता है, जैसे कि किसी को ऑर्डर देना या सूचना देना, है ना, या किसी से रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, या हमारे विचार को व्यक्त करना, किसी से क्वेश्चन पूछना, या अपना दुख प्रकट करना। तो ये सारे अलग अलग जो हैं भाषा से किए जाने वाले कार्य हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसके कितने टाइप होते हैं। तो पहला जो है वो होता है एक्सप्रेसिव फंक्शन। फर्स्ट होता है आपका एक्सप्रेसिव फंक्शन, जिसे हम बोल सकते हैं अभिव्यक्ति परक कार्य। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप अपना अभिव्यक्त करोगे अपने फीलिंग्स को। ठीक है, तो लैंग्वेज एक्सप्रेसेस एंड इवोक्स आइडियाज, थॉट्स एंड फीलिंग्स। सो एक्सप्रेसिव फंक्शंस में और मे नॉट इंक्लूड एनी रियल इंफॉर्मेशन, बिकॉज द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिव यूज ऑफ लैंग्वेज इज टू कन्वे इमोशन। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, आपके इमोशंस को कन्वे करना, आपके इमोशंस को लोगों तक पहुंचाना। ठीक है, तो ये इसका मेन पर्पस होता है, ना कि इन्फॉर्मेशन देना, मतलब रियल इन्फॉर्मेशन से मतलब नहीं होता है। एक्सप्रेसिव फंक्शन में क्या होता है, आप खाली अपने अभिभाव जो हैं उसको आप व्यक्त करते हो, जैसे किसी सुंदर फूल को देख करके आपके मन में जो थॉट्स आते हैं, जो फीलिंग आती है, तो आप उसको एक्सप्रेस करते हो कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, है ना, तो आप बोलते हो कि क्या बहुत सुंदर फूल फूला हुआ है। तो इसी तरीके से जो भी हम अपने शब्दों में एक्सप्रेस करते हैं वो आपका एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होगा। तो यहाँ पे आप किसी चीज़ को कोई रियल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, बस आपके अंदर जो फीलिंग्स है उसे आप बता रहे हो। तो इसकी जो प्रकृति, इसका जो नेचर है वो कैसा होता है, भावात्मक होती है, इमोशनल होता है। ठीक है, इमोशंस शेयर किए जाते हैं, जिसे हमने एग्जाम्पल देखा कि वह फूल कितना सुंदर है, कि आप किसी फूल को देख के अब अपने एक्सप्रेशंस को यहाँ पे फीलिंग को बता रहे हो। या दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह इस वर्ष भी परीक्षा में असफल हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करो, अपने दुख को प्रकट कर रहे हो, या उसके प्रति आप जो है सद्भावना या जो अपनी संवेदना है उसको व्यक्त कर रहे हो। आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ठीक है, कि वह इस वर्ष की परीक्षा में असफल हो गया। मतलब कोई है स्टूडेंट जो इस साल भी परीक्षा में पास नहीं हो पाया, तो उसके लिए आप अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहे हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम कैसे किस तरीके के क्वेश्चन इस पर आ सकते हैं, तो एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं जिसमें आपको बताना है कि ये जो है एक्सप्रेसिव फंक्शंस का है या नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे एग्जाम्पल है इसका, तो देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे होगा क्वेश्चन के रूप में। तो यहाँ पे एक्सप्रेसिव फंक्शन आपको बताना है कि कौन सा जो है चारों में से एक्सप्रेसिव फंक्शंस को बता रहा है। पहला ऑप्शन बोलता है डू यू हैव ₹5,000, क्या आपके पास ₹5,000 हैं। दूसरा बोलता है रोहित गो एंड गेट माई बुक, जाओ और मेरी किताब लेकर आओ। ये तो ऑर्डर दे रहा है ना, तो ऑर्डर वाला हो जाएगा, क्या आपके पास 5,000 है, ये क्वेश्चन मार्क वाला हो गया। तीसरा क्या बोलता है, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्लेजर दैट ही रिसीव्ड द अवार्ड, तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि उससे जो है इनाम मिला। तो यहाँ पे आप अपनी खुशी, अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हो कि उनको जो है इनाम मिला, तो यही जो है आपको एक्सप्रेसिव फंक्शन को बता रहा है। चौथा जो है वो क्या बोल रहा है कि स्कूल विल बी क्लोज टुडे, आप बता रहे हो यहाँ पे कि स्कूल जो है आज बंद रहेगा, तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो इन्फॉर्मेटिव हो जाएगा।
तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला देखते हैं। दूसरा है आपका इंफॉर्मेटिव फंक्शन, इसको बोलते हैं सूचना परक कार्य। तो यहाँ पे आप किसी सूचना को आप जो है प्रदर्शित करते हो या सूचना को पहुँचाते हो। तो यहाँ पे होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स गिविंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को लेना और देना, मतलब इंफॉर्मेशन को सूचना का प्रदान करना और ग्रहण करना ही होता है। यहाँ पे एग्जांपल हम ले सकते हैं, इट्स शुगर कैन जूस, दिस फ्लावर इज रेड, है ना, एंड दिस चेयर इज ब्रोकन। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहे हो कि इट इज़ शुगर कैन जूस, ये शक्कर से बना जूस जूस है ना, शुगर कैन, और ये जो है फ्लावर जो है वो रेड है। यहाँ पे आप बता रहे हो कि ये जो चेयर है वो टूटा हुआ है। तो यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, जैसे आप बोलते हो कि आज छुट्टी है, तो आपने इंफॉर्मेशन दिया है ना, तो ये जो है इंफॉर्मेशन हुआ। अब देखते हैं इंफॉर्मेशन का एग्जांपल। यहाँ पे आपको उसको सेलेक्ट करना है जो इंफॉर्मेशन को जो है व्यक्त करता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखिए यहाँ पे, हे ही फेल्ड द एग्जाम, अरे वहाँ परीक्षा में फेल हो गया। तो यहाँ पे आप तो भाव व्यक्त कर रहे हो, हे अपना जो अभिव्यक्ति कर रहे हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, ही हैज ही फेल्ड द एग्जाम, यहाँ पे आप पूछ रहे हो क्या वह एग्जाम में फेल हो गया। थर्ड जो ऑप्शन है, ही फेल्ड द एग्जाम, यहाँ पे आप कंफर्म हो और बता रहे हो कि ही फेल्ड द एग्जाम, वो एग्जाम में फेल हो गया। चौथा ऑप्शन बोल रहा है, दिस टाइम यू हैव टू पास द एग्जाम, इस बार आपको एग्जाम में पास होना ही है। तो यहाँ पे आप एक प्रकार से ऑर्डर दे रहे हो कि आपको एनी हाउ एग्जाम पास करना ही है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ही फेल्ड द एग्जाम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला है डायरेक्टिव फंक्शन। डायरेक्टिव फंक्शन क्या होता है, निर्देशात्मक कार्य होता है। यहाँ पे आप निर्देश देते हो, यहाँ पे आप किसी को ऑर्डर दोगे या निर्देश दोगे। ठीक है, सो लैंग्वेज इज यूज टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन सोशल ऑर्डर। तो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें डायरेक्टिव फंक्शन का यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो नॉर्म्स हैं, एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं, सर्टेन सिचुएशंस हैं, उनको यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, तो जितने भी लॉ हैं, रूल्स हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टिव फंक्शन का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें हम इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे आप किसी को बोलते हो, प्लीज़ साइन माय एप्लीकेशन, या सीट डाउन, बैठ जाइए, या मेरे एप्लीकेशन पे साइन कीजिए। वी शुड कीप एवरी वन हैप्पी, हमें हर किसी को हैप्पी रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक प्रकार से निर्देश दे रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फाइंड आउट करना है कौन सा जो है डायरेक्टिव फंक्शन का एग्जांपल है। देखिए पहला ऑप्शन, आई एम गोइंग टू मार्केट टुडे, मैं आज बाज़ार जाऊँगा। तो यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो, बता रहे हो कि किसी को यहाँ पे सूचना दे रहे हो। ठीक है, ना कि आप यहाँ पे किसी को ऑर्डर कर रहे हो। दूसरा ऑप्शन बोलता है, ईट योर फूड, अपना खाना खाओ या अपना भोजन करो। यहाँ पे आप जो है निर्देश दे रहे हो, तो यहाँ पे डायरेक्टिव फंक्शन आप लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, तो बी इज़ द राइट आंसर। थर्ड में क्या बोल रहा है, दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल, यहाँ पे आप एक्सप्रेस कर रहे हो, एक्सप्रेसिव हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन, नन ऑफ द एबव, तो ये नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा बी। तो ये लैंग्वेज था, और लैंग्वेज का कितना प्रकार से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके टाइप्स हमने देखा। अब आगे हम देखते हैं कैनोटेशन एंड डेनोटेशंस इन टर्म्स इन अ प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशंस में जो है कैनोटेशन और डेनोटेशन जो मीनिंग है वो, उसके बारे में जानना है हमको, शब्दों का लक्षार्थ इन, इसको बोलते हैं वाच्यार्थ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यहाँ पे कैनोटेशन का मतलब क्या होता है। देखिए दो चीज़ें होती है, एक तो कैनोटेशन मीनिंग होता है, दूसरा होता है डेनोटेशन। तो डेनोटेशन जो है वो आप बोल सकते हैं कि जो डिक्शनरी में होती है, अब डी से रिलेट करना, डी से यहाँ पे डिक्शनरी में जो दिया हुआ मीनिंग है उससे मतलब रहता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे हाउस के बारे में बात करते हैं, हाउस, ठीक है, हाउस मतलब कि हमारा घर। तो डिक्शनरी में क्या लिखा होगा कि अ प्लेस जहाँ पे हम रहते हैं, है ना, अ रेसिडेंटल प्लेस, एक प्रकार का निवास
करने योग्य प्लेस है, स्थान है, ये उसका क्या हो जाएगा, लिटरल मीनिंग हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं उसका डेफिनेटिव मीनिंग होगा। तो डेनोटेशन हमेशा जो है उसका जो डिक्शनरी में दिया हुआ मीनिंग है या डेफिनेटिव मीनिंग है वही होता है। लेकिन कैनोटेशन क्या होगा, कैनोटेशन हम जिस तरीके से अपने शब्दों में हम बताते हैं, हम जो अपना मीनिंग निकालते हैं खुद का, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस हमारे जो जुड़े होते हैं उस चीज़ के साथ में, उसको लेकर हम जो व्यक्त करते हैं उसको हम बोलते हैं कैनोटेशन। तो उसी घर को अगर आप किसी और इंसान से पूछो तो वो बोल सकता है कि एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग मिलजुल कर रहते हैं, सुखी से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, भाईचारा होता है ना, या हैप्पी रहते हैं। तो अलग ही उसने अपना फीलिंग बताया, उसके साथ जो वो चीज़ रिलेट कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को वो बता रहा है। तो कैनोटेशन होता है वो हमारा सब्जेक्टिव मीनिंग होता है, लेकिन डिनोटेशन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव मीनिंग होता है या लिटरल मीनिंग होता है जो डिक्शनरी में दिया होता है। ठीक है, तो यही है। ठीक है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकते हैं डेनोटेशन से रिलेटेड या कैनोटेशन से रिलेटेड। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, हॉलीवुड, जैसे एक वर्ड है हॉलीवुड, तो हॉलीवुड से हमें क्या समझ में आता है, अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग देखूँ हॉलीवुड का, या आप इसको डिक्शनरी में देखते हैं इसका मीनिंग, मतलब डेनोटेशन में इस क्या बोला जाएगा, तो आपको पता चलेगा कि हॉलीवुड जो है एक प्रकार से डिनोट करता है जहाँ पर मूवी बनती है, जो कि वेस्टर्न कंट्री में बनती है उसको हम हॉलीवुड बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारे इंडिया में जो मूवी बनती है उसको हम बॉलीवुड से डिनोट करते हैं। लेकिन इसी का अगर हम कैनोटेशन मीनिंग हम बात करें हॉलीवुड का, तो कैनोटेशन मीनिंग क्या हो गया, हम अपने भाषा में क्या बोलते हैं हॉलीवुड को, वो एक ऐसा ग्लैमरस प्लेस जहाँ पे ग्लिट्स होता है, ग्लैमर होती है, सेलिब्रिटी होते हैं, ड्रीम ऑफ स्टारडम, लोगों का सपना वहाँ पे पूरा होता है ना। तो ये हॉलीवुड का अलग अलग मीनिंग होता है। कैनोटेशन में हम अलग मीनिंग निकालेंगे जो हम स्वभावतः अपने हिसाब से बनाते हैं, और एक जो मीनिंग होता है जो डिक्शनरी में उसका एग्जैक्ट जो मीनिंग होता है वो डेनोटेशन होता है। ठीक है, तो डेनोटेशन में क्या होगा कि एरिया ऑफ लॉस एंजल्स है ना, एंड वर्ल्ड वाइड नोन एज द सेंटर ऑफ अमेरिकन मूवी इंडस्ट्री। तो ये अमेरिका की एक मूवी इंडस्ट्री है, ऐसा आपको डेनोटेशन में मीनिंग दिखेगा। लेकिन हम इसको बोल सकते हैं ऐसा प्लेस जहाँ स्टार लोग रहते हैं, सेलिब्रिटी रहते हैं, स्टारडम होता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी फीलिंग इमोशन के साथ हम कैनोनेट करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैनोटेशन एंड डिनोटेशन। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स इससे पूछा तो नहीं जाएगा, तो थोड़ा सा और देख लेते हैं डिनोटेशन में। ठीक है, तो देखिए जो हमारा जो हम कैनोटेट करते हैं, जो हम अपने भावना के साथ या हमारे फीलिंग के साथ जिस तरीके से हम जो आंसर करते हैं, उसमें तीन चीज़ों को देखी जाती है, तीन चीज़ों को ध्यान में रखकर हम उसका मीनिंग निकालते हैं। सो इट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट, ओपिनियन एंड बिलीव्स, जिसे हम बोलते हैं प्रेजुडाइस। तो यहाँ पे कुछ फैक्ट, ओपिनियंस या बिलीव्स और प्रेजुडाइस के बेस पर जो हम अपना कैनोटेशन देते हैं। ऐसा नहीं कि हम कैनोटेशन जो है कुछ भी दे दिया, तो वो कहीं ना कहीं उसके पीछे कुछ फैक्ट होगा, कुछ ओपिनियन होंगे, कुछ बिलीव्स होंगे, कुछ प्रेजुडाइस होता है, उसके बेस पे ही हम ओपिनियन देते हैं। जैसे फैक्ट की हम बात करें तो फैक्ट क्या होता है, फैक्ट इज़ वेरीफाइबल, फैक्ट हमेशा वेरीफाई होके आता है, जो वेरीफाई की जा चुकी है पहले से चीज़ें उसे हम फैक्ट बोलते हैं। जैसे हमारा देश जो है 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो ये चीज़ें फैक्ट है, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 15 अगस्त को ही हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो ये चीज़ें फैक्चुअल होती है। ठीक है, जैसे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये भी प्रमाणित की जा चुकी है कि ग्रेविटी का लॉ है, जो कोई भी चीज़ ऊपर जाता है वो नीचे आता ही है। ठीक है, ओपिनियंस क्या होते हैं, हमारे बिलीव्स होते हैं, कुछ जजमेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन फैक्ट्स, और कुछ रीजनेबल कंक्लूजन जो हम ड्रॉ करते हैं फैक्चुअल एविडेंस के बेस पे, वो हमारा क्या होता है, एविडेंस होता है, जहाँ पर हम किसी चीज़ को कन्वे करने की कोशिश करते हैं, क्या डेबिटेबल होते हैं, हम किसी से डेबिट करते हैं तो हम ओपिनियन देते हैं कि नहीं इसके पीछे ये रीज़न है तो ये ऐसा होगा, कुछ फैक्ट देते हैं। ठीक है, उसके बेस पे हम कंक्लूजन बताते हैं, तो फैक्टुअल जो एविडेंस देते हैं वो ओपिनियंस होता है। प्रेजुडाइस क्या होता है, प्रेजुडाइस का मतलब होता है आधा अधूरा, जो फैक्ट के बेस पे जो हम अपना कंक्लूजन देंगे, तो इट इज़ अ हाफ बैग्ड ओपिनियन, आधा पक्का हुआ, दैट मीन्स कि आधा नॉलेज है, पूरा ज्ञान नहीं है, वे इनसफिशियंट एविडेंस पर बेस्ड होता है।
पिजोडाइज बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि वुमन्स आर बैड ड्राइवर्स, तो जो औरतें हैं वो खराब ड्राइवर्स होती हैं। तो हम एक्चुअली हम क्या जो है इतने सालों से जो सप्रेस की जा रही हैं लेडीज़ को, तो वो गर्ल्स की इमेज जो है एज अ वीक हम देखते हैं। तो वो एक्चुअली हम यहाँ पे आधे अधूरे ज्ञान के बेस पे हम इस चीज़ को बोल रहे हैं, क्योंकि अभी जो है जो गर्ल्स हैं या जो लेडीज़ हैं जो वुमेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी हैं। वो इवन अभी आप देखोगे जो कार में ड्राइव कर सकती हैं, इवन एरोप्लेन्स भी उड़ाती हैं। तो ये तो फैक्चुअल बात नहीं हुई, ये आधा अधूरा ज्ञान ही हुआ। किस पर्टिकुलर आप देश या एरिया को आपने टारगेट करके भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये आपका पूरा ज्ञान नहीं है। ठीक है, जैसे इंडिया में जो वुमेन्स जो हैं वो हो सकता है कि बैड ड्राइवर्स हो सकते हैं, बट आप देखोगे कि बहुत सारे जो विदेश हैं वहाँ पे तो वुमेन्स ही ड्राइव करती हैं कार को, या बड़े बड़े जो कंपनीज हैं वो हायर करती है वुमेन्स को। ठीक है, तो हम इस बेस पे नहीं बोल सकते कि बैड ड्राइवर्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद होता है आपका बिलीव। तो बिलीव क्या होता है, बिलीव जो होता है कल्चर या बहुत साल से जो चला आ रहा होता है, या पर्सनल फैथ होता है, मोरालिटी होती है, वैल्यूज़ जिसके साथ हमारे जुड़े हुए होते हैं, कुछ हमारी धारणाएं होती है सदियों से चली आ रही है ना। तो जैसे हम गॉड को मानते हैं, हमारा उस पर आस्था है गॉड पे, तो हम उस पर बिलीव करते हैं। तो जो बिलीव हमारा पहले से बना हुआ है, वो धारणा जिसे हम चेंज नहीं करते, हमारी मान्यता बन चुकी होती है, जैसे हमारे कल्चर के लेकर के या हमारा जो पर्सनल फैथ जो होता है। ठीक है, तो बिलीव इन तीनों चीज़ों को लेकर के ही हम क्या करते हैं, किसी कैनोटेशन मीनिंग को हम निकालते हैं।